हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कटहल की एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो कटहल है मैंने इसको ऐसे ही पीस पीस करके काट लिया है और इसको हल्दी के पानी में डाल के रखा था। तो अभी ये जो कटहल है इसको पहले मैं बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। तो देखिए, अभी ये जो कटहल है इसको मैंने बॉईल कर लिया है, अभी मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। तो ये जो कटहल है इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 4-5 प्याज लिया हुआ है और इसको चॉप्ड कर लिया था, और टमाटर लिया है, एक टमाटर मैं लिया है जो कि उसको चॉप्ड कर लिया है। ज़्यादा टमाटर नहीं लेना है क्योंकि उसको खट्टा लगेगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मसालों में, और लिया है जो हरी मिर्च है, 3-4 हरी मिर्च को मैंने ऐसे काट लिया है, और कुछ सूखा मसाला लिया हुआ है जैसे कि तेज पत्ता और ये इलायची वगैरह ये लिया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही ये फ्राई कर लिया था, ये जो कटहल है उसको मैंने फ्राई करके रखा है और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, ये मैंने कटहल को मतलब फ्राई कर लिया है। तो अभी मसाला बनाते हैं। तो ये तेल गरम हो चुका है, अभी इस पर मैं जो सूखा मसाला है वो डालूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इस पर जो इसका खुशबू है ना, वो मतलब ये कटहल में और मसालों में अच्छी तरीके से मतलब खुशबू जो इसकी है वो मिक्स हो जाए। अभी देखिए, ये गर्म हो चुका है, तो इस पर अभी मैं प्याज डालूंगी और प्याज को पहले मतलब लाल होने तक इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। और आपको एक मतलब टिप्स दूंगी, अगर आप जल्दी में हो, मतलब प्याज को जल्दी पकाना चाहते हो, तो इस पर आप थोड़ा सा नमक डाल देना ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो अभी देखिए, मैं इस पर नमक डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से ये जो प्याज है वो पक जाए। तो अभी देखिए, ये जो प्याज है ये लगभग पक गया है। तो अभी इस पर मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, देखिए ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था इसको मैंने अभी इस पर डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दूंगी, और इसको अभी अच्छे से तेल में मसाला को पकने तक इसको फ्राई करूँगी। और अभी इस पर मैं डालूंगी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और जो है रेड चिली। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा ही डालना, कम खाते हो तो आप कम ही डालना। और इसको अभी अच्छे से मिक्स करके मसाला को पकाने दूंगी। देखिए, अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है और मसाला जो है अभी लगभग पक गया है, और इस पर अभी मैं थोड़ा सा जो है पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से मतलब पक जाए। तो अभी देखिए, ये जो मसाला है ये पूरा पक गया है। तो अभी इस पर मैं गरम मसाला डालूंगी ताकि इसकी जो खुशबू है गरम मसाले की वो जो मसालों में मिक्स हो जाए। अभी देखिए, ये मसाला कितना सुंदर से हो गया है। अभी मैं इस पर कटहल डालूंगी और उसको अच्छे से मसाले में मिक्स करूंगी। अभी ये जो कटहल को ये मसाले में मिक्स करना है, और इस पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं देना है, और इसको हल्का सा मतलब सीम करके गैस को इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो अभी ये जो देखिए, ये जो कटहल है ये पूरा रेडी हो गया है और कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार ट्राई करके देखना और इसको कैसा लगा, मतलब ये आप देखिएगा इसको बना के ये कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही कुकिंग वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो
ये वीडियो को टाइम देने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू।